सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ठंड हो रखी है और मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है ठंड की। साथ में देखो ग्लव्स वगैरह भी पहन रखे हैं और देखो रजाई से अभी अभी निकल के आया हूँ। सो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को पूरी देखना। और वीडियो का जैसा कि आपको थंबनेल दिख गया होगा, तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो हम गूगल फोटोज यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्मार्टफोन एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उनके पास गूगल फोटोज रहता है। अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो गूगल फोटोज में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ऑटो सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, और सिंक्रोनाइजेशन ऐसा है कि इसमें आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाती है। तो अनलिमिटेड स्टोरेज कैसे मिलती है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा और वीडियो का लिंक नहीं दे पाया तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं वहाँ पर मेरी वेबसाइट है, वहाँ का एक आर्टिकल का लिंक दूंगा। उस आर्टिकल पर जाकर देख लो कैसे आप अनलिमिटेड स्टोरेज इसमें कर सकते हो। नाउ अनलिमिटेड स्टोरेज तो हो गई, लेकिन आपको उस फोटो को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। नहीं, अपने मोबाइल में तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन आपको सिंक्रोनाइज करना है अपने लैपटॉप में। बहुत बार क्या होता है ना, आपके मोबाइल में उतनी स्पेस नहीं रहती है। आप 10 GB, 15 GB, 20 GB, 50 GB तक का आपको फोटो स्टोरेज आपने कर लिया, लेकिन आप उसे कहाँ पर सेव करोगे? वो तो जनरली आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या लैपटॉप या PC वगैरह में सेव करते हो। तो PC में सेव करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका कौन सा है, तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 2-3 ऐसे कुछ मेथड्स है जो ऑफिशियल मेथड है, मैं आपको बताऊंगा और उसमें समझाऊंगा कि कैसे आप उसे बैकअप कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा देर अपना फेस ओवर नहीं करने वाला हूँ, तो सीधे चलेंगे अपने मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप ये जो मेथड है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। और ऊपर आपको आई लिंक में, यहाँ कहीं आई लिंक पर मिल रहा होगा एक वीडियो टेलीग्राम का, बहुत अच्छा वीडियो, आप उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छी लाइक और कमेंट्स आया उस पर, तो आप उसे जाके चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा मत जाना। तो हम सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम आ गए हैं अपने गूगल क्रोम के होम स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है गूगल फोटोज़ की वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है photos.google.com, और इसका जो वेबसाइट का लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। नाउ आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो आपका लॉगिन नहीं है तो इसमें लॉगिन कर ले। तो अगर आपने जिस फोटोज़ को जिस ईमेल आईडी से लिंक करा है उस ईमेल आईडी से लिंक करोगे तो आप जो 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 फोटो सेव कर रहे हो वो सारे यहाँ पर दिखाने लगेंगे। डेट वाइज यहाँ पर शॉर्ट किया रहता है। तो अगर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है तो आप इंडिविजुअली ये फोटो है वहाँ पर टिक आइकन है वहाँ पर क्लिक करोगे तो फोटो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं और क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाता है, जैसा कि ये देख रहे हो ये ओपन हो जाता है फोटो। तो अगर आपको सिलेक्ट करना है, डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर पहले सिलेक्ट करना होगा। इसे सिलेक्ट कर लिए, जो भी जितने भी फोटो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल फोटो सिलेक्ट करना है तो एक ऑप्शन है शिफ्ट क्लिक करके, कीबोर्ड में अपना शिफ्ट क्लिक करना है और होवर करना है, जितना होवर हुआ वो सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट करके फिर से यहाँ पर क्लिक करिए शिफ्ट, तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह आप सिर्फ दाब के नीचे जाते जाए जितना फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि ये जो डेट वाला लिंक है वहाँ पर भी आपको एक टिक का आइकन दिख रहा है, तो वहाँ पर भी टिक का आइकन क्लिक करके उस डेट का पूरा फोटो आप सेव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर लिया। तो वो भी दूसरा ऑप्शन है। और नाउ आपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, आप डाउनलोड कैसे करोगे? तो यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है राइट में टॉप में, वहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर डाउनलोड करना है, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट डी। तो यहाँ से आपको जो जिप फाइल क्रिएट होगी और उसमें आपका सारा फोटो डाउनलोड हो जाएगा। ये तो रही बात जब आपको सेलेक्टेड फोटो कम फोटोज आपको डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर जो ये आपका लोगो दिख रहा होगा, आपका फ़ोटो दिख रहा होगा ईमेल आईडी पर, उसे क्लिक करना है। यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना है। नाउ आप मैनेज गूगल अकाउंट में चले गए, वहाँ पर प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन, वहाँ पर मैनेज योर डेटा एंड पर्सनलाइजेशन में जाना है। यहाँ पर डाउन बिलो अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे ऐप्स होगा जो कि आपकी ईमेल आईडी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत नहीं पता होता है कितने अकाउंट्स कनेक्टेड है, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना। ओके, तो आप सिंपली जाइए फोटोज़ पर, अब थोड़ा टाइम लगेगा, वो डेटा आपका कैप्चर करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन आपको सेलेक्ट करना है फ़ोटोज़ में, यहाँ जो ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है उसे क्लिक करें। यहाँ पर आपको टोटल जितनी भी फ़ोटो सेव्ड है वो सारे आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दो तरह के फ़ोटो सेव है, एक है अनलिमिटेड स्टोरेज वाला, एक है लिमिटेड मतलब हाई क्वालिटी फ़ोटोज। तो मैं जब पहले मैं यूज़ करता था मुझे पता नहीं था कि अनलिमिटेड स्टोरेज का ऑप्शन है,
तो मैं वो जनरल जो होता है हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ में अपलोड करता था। तो अब मैं अनलिमिटेड स्टोरेज में यूज़ करता हूँ, तो 899 फोटोज है वो अनलिमिटेड स्टोरेज वाले में है। और अनलिमिटेड स्टोरेज आपको कैसे मिल सकता है उसका भी मैंने जो आर्टिकल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप जरूर चेकआउट करें। वो भी बहुत अच्छा मेथड है अनलिमिटेड स्टोरेज पाने का। नाउ आपके पास ये फोटोज आ गए, तो अब आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो थ्री डॉट्स वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर डाउनलोड डेटा का ऑप्शन आएगा। ये डाउनलोड डेटा का ऑप्शन क्लिक करते हैं आपके एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वहाँ पर अगेन आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे लाइक मल्टीपल फॉर्मेट्स। तो ये जो फॉर्मेट्स है इन सारे फॉर्मेट्स जो जो भी चीज़ें वो डाउनलोड होंगी, ठीक है। दूसरा है कि कितना फोटो या कितना एल्बम आपको इंक्लूड करना है। ये नहीं है कि सारे डेटा डाउनलोड हो जाएंगे, आप उसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप देखो कि मेरा एल्बम नहीं बना हुआ, तो कुछ सारे जो फोटो है बाई डेट वाइज है, तो वही एक एल्बम क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको डाउनलोड हो जाएगी। इवन आपका जो ये होता है ना कन्वर्सेशन हैंगआउट वाला, वो भी डाउनलोड हो सकता है अगर आप सेलेक्ट करो तो। आप उसे डीसेलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपका फोल्डर रहे उसको क्लिक करके ओके कर देना। नाउ नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज़ करना है आर्काइव फॉर्मेट। अगर आपको वन टाइम आर्काइव चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको शेड्यूल आर्काइव मतलब हर 2 मंथ में आपको चाहिए ये डाउनलोड डेटा का ऑप्शन, तो भी वो आपको मिल जाएगा। और ये लिंक जो है आपको ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो या ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, दो भी है। अब आपको कौन सी फाइल फॉर्मेट में चाहिए, जिप या टीजीएट, जो आपको सुटेबल लगे वो यूज़ करो। जनरली लोग जिप ही यूज़ करते हैं। नाउ आपको फाइल टाइप्स अगर इसमें आप सेलेक्ट कर रखा है 2 GB, अगर 2 GB से ज़्यादा की कोई एक फाइल है तो उसको कि गूगल क्या करेगा मल्टीपल में स्प्लिट कर देगा, मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट कर लेगा, वो बाद में आपको ज्वाइन करना होगा। अगर वो नहीं चाहते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हो अप टू 50 GB का एक सिंगल फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो ये चॉइस आपकी है, क्योंकि बड़ा फाइल डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिप होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए गूगल ने इसको 2 GB बाई डिफॉल्ट रखा था। तो आप इसे 10 GB 50 GB कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब उसके बाद आपको क्रिएट आर्काइव में करना, आर्काइव प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वंस ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपके पास ईमेल आएगा और उसमें एक लिंक आएगी, और वो लिंक क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको आई थिंक कुछ टाइम दिएगा, यू विल हैव 1 वीक टू रिट्रीव योर आईडी, मतलब 1 वीक में आपको वो डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद वो डिलीट कर दिया जाएगा उनके सर्वर से। जो जो मैंने बताया है अपने पीसी में जो कर रहे हैं वो सेम चीज़ आप अपने मोबाइल में स्मार्टफोन में कर सकते हैं। आपको गूगल क्रोम इंस्टॉल करना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता ही है। तो गूगल क्रोम को ओपन करिए, वहाँ पर जो उसकी सेटिंग है वहाँ पर राइट में जो होता है 3 डॉट्स, उसको क्लिक करिए। वहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड आएगा, तो डेस्कटॉप मोड पर क्लिक करने पर आपका जो भी वेब पेज ओपन होगा वो डेस्कटॉप में जैसा कि आपको पीसी पे ओपन होता है वैसा ओपन होता है। तो जो जो स्टेप्स मैंने वहाँ किए आप वहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हो। थोड़ा स्क्रीन छोटा दिखेगा तो आप उसे इनलार्ज करके मैनेज कर लेना। सो दोस्तों आपको कैसे लगे ये वीडियो कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक करो। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं अपनी वीडियो कंटेंट कैसा बना रहा हूँ और लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मत जाना। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।